इस सॉफ्ट रोटी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3/4 कप मैदा लिया है। ये लगभग 150 ml की कप है। तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लें, बस रेशियो का ध्यान रखें। अब 1/4 कप हम रेगुलर चपाती वाला आटा यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। इस तरह से अब यहाँ पर हम सिर्फ मैदे से भी इस रोटी को बना सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैदे से हम इसे बनाएंगे तो वो बहुत ही स्टिकी होगा, और अगर थोड़ा आटा शामिल कर लेंगे तो वो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगा। इसीलिए हमने दोनों आटे को शामिल किया है। तो ये 3/4 कप मैदा है और 1/4 कप चपाती वाला आटा है। अब इसके अच्छे टेस्ट के लिए हम यहाँ पर इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हमने 1/4 टीस्पून लिया है। अब इसे और ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस रोटी की खास बात यह है कि ये बहुत ही मुलायम बनती है, इसलिए ये बहुत देर तक रखने पर भी कड़ी नहीं होती, और बच्चों को खिलाना हो या बुजुर्गों को देना हो तो ये रोटी बहुत काम आती है, और अगर सफ़र में ले जाना हो तो भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि ये कम से कम 20-22 घंटे तक बिल्कुल नरम बनी रहती है। अब इसे गूंथने के लिए हम यहाँ पर हॉट वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये डो जो है वो बहुत ही स्मूथ बनेगा और बहुत ही रोटी मुलायम होगी, और इसका तरीका यही है। तो यहाँ पर हमने रेगुलर कप से 1 कप पानी को माइक्रोवेव में 3.5 मिनट तक हाई मोड पर गर्म किया है। आप चाहें तो इसे फ्लेम पर भी गर्म कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए गूंथ लेना है। इस चपाती का कहना ही क्या है, आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये नॉनवेज के साथ मटर पनीर के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। स्पेशली अगर कलेजी मसाला है तो उसके साथ तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 कप गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब जो ज़रूरत होगी वो ठंडे से इस्तेमाल करना होगा। अब उतने पानी से आटा इस तरह का तैयार हुआ है, लेकिन अभी ये स्मूथ नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें भी और गूंथ लेना होगा। और पानी शामिल करने का तरीका ये है कि बस हाथ को पानी से भिगो कर हम इसे थोड़ी देर तक और गूंथ लेंगे, या इसमें थोड़ा सा हाथों में तेल लगाकर भी इसे गूंथ सकते हैं। तो अब इसकी सतह को स्मूथ करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल शामिल कर लें। बिल्कुल मुलायम आटा ये तैयार हुआ है, और जितना नरम आपका आटा होगा उतना ही नरम आपकी चपाती होगी, और ये चपाती बनने के बाद बहुत ही लुआ पुआ सी होती है, तो किसी तरह का भी रैप या रोल इससे तैयार किया जा सकता है। ये गूंथने के बाद इतना ही सॉफ्ट, इतना ही स्मूथ हो जाएगा। और अब इसे मैं 5 मिनट तक रेस्ट पर रखूंगी, और उसके बाद इसकी लोइयां तोड़कर रोटी बेलना शुरू कर दूंगी। तो इसे रखते हैं 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इन आटे से 10 लोइयां बना ली हैं, और अब इसकी पतली पतली चपाती बेल लेना है। तो इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालते हुए हमने पहले हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा बढ़ा लिया है। ऐसा करने से
रोटी अच्छी बनती है, गोल बनती है। तो इस तरह से आप हाथों से बढ़ा लें और उसके बाद इसे लगभग 6 इंच के डायमीटर की रोटी हमने बनाई है और तवा को गर्म कर लिया था पहले से, उस पर मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही रोटी के ऊपर हल्का हल्का बबल आने लगे इसे पलट लेना है। आप देख सकते हैं रोटी बहुत अच्छी तरह से पक रही है। आप फ्लेम हमेशा मीडियम रखें, मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएं, रोटी जलेगी नहीं और नरम बनेगी। और जब तवा ठंडा होने लगे फिर फ्लेम आप बढ़ा लें। देखिए इसको फूलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये खुद बखुद फूल जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से, कितने ज़बरदस्त तरीके से फूल रही है और इसका इसकी सॉफ्टनेस और इसका टेक्सचर आपको पता ही लग रहा होगा। तो इस तरह से सारी रोटियों को मैंने बना लिया है एक के बाद दूसरी। यहाँ पर बस इतना ही ख्याल रखना है कि जैसा आप डो बनाएंगे आपकी चपाती उतनी ही स्मूथ और सॉफ्ट बनेगी। और इसकी सॉफ्टनेस का सारा क्रेडिट ये जाता है कि आटा कैसा सांदा गया है। जब मैंने इसे गर्म पानी से तैयार किया था तो वो भी ध्यान रखने वाली बात थी कि बिल्कुल हॉट वाटर होना चाहिए, हल्का गर्म पानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारी चपाती तैयार है, बेहतरीन रोटी बनकर तैयार होती है। और आप इसे ढककर अपने टेबल पर रखें, हॉट पॉट में हल्का ढककर रखें, ज़्यादा मॉइस्चर अंदर बंद करेंगे तो ये बिल्कुल सौगी हो जाएगा। सभी जब रोटियों को बनाने में इतना मज़ा आता है, ये जो बनाना जानता है बस वही इंजॉय कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, बनाएं, खाएं और खिलाएं। उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप देख सकते हैं रोटी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी गर्म और नरम। इसकी आप गर्माहट को देखें, देखिए इसकी एक एक बाइट सॉफ्ट है। दोस्तों मैं हूं नेमत और आप नेमत अहमद के चैनल पर बने हुए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा।